गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम दिन बुधवार को हमारा टर्न जो सामाजिक में इतिहास का रहता है, हमारे अतीत का रहता है, तो उसमें हम राजा राज्य और एक प्राचीन गणराज्य ये वाला लेसन हमारा चल रहा था। तो इस वाले लेसन में हम ये पढ़ चुके थे कि महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन से उन्हें वंचित रखा जाता था। अब हमें पेज नंबर 48 पर पढ़ना है। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। मतलब पुरोहितों का मतलब होता है कि पुजारियों, पंडितों के आधार पर, मतलब वर्णों का निर्धारण उनके जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता को संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें भी लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। मतलब कि जो भी इन लोगों के संपर्क में आते थे, उन्हें छूते थे, तो उन्हें अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ राजा ऐसे होते थे वो ये कहते थे कि हम ब्राह्मणों से श्रेष्ठ हैं। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। मतलब कुछ लोग ये मानते थे कि मतलब जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण ये सही नहीं है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे। मतलब व्यवसाय के आधार पर उनमें जो भेदभाव होता था उसे उचित नहीं समझते थे। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। मतलब अनुष्ठान का मतलब होता है कि जो यज्ञ वगैरह होता था उसे करने का काम सभी को मिलना चाहिए। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। मतलब जो भारत उपमहाद्वीप है, मतलब इसके जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है उसमें सामाजिक और आर्थिक असमानता, मतलब वहाँ पे लोगों को समान नहीं समझा था, ये बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। मतलब पुजारियों का प्रभाव भी यहाँ पर बहुत सीमित था। इसके बाद में जो हमें अब अगली वाली हेडिंग पढ़ना है वो है हमारी जनपद। तो जनपद क्या है? महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। मतलब कि जो महायज्ञों को करवाते थे राजा, वो अब राजा न रह गए। मतलब राजा से ऊपर होकर जनपदों का मतलब होता है एक क्षेत्र जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या निवास करती है, तो वो वाला क्षेत्र बन जाता है। जैसे कि अपना ललितपुर है तो ललितपुर को हम जनपद कहते हैं। मेहरौनी है, इसके बाद मड़ौरा में जाओ तो ये जनपद तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर यहाँ पे जनसंख्या अधिक हो जाएगी तो ये भी जनपद बन सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं था। तो मतलब ये है अपना हमारे कहने का कि महायज्ञों को कराने वाले राजा अब राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। जन का मतलब लोगों के रहने की जगह। ये हमें दिया गया है कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 पृष्ठ नंबर 49 में दिए गए हैं, जो कि हम आगे थोड़ा पढ़ेंगे। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। कई जनपदों की खुदाई की है, जैसे दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास है हस्तनापुर, और एटा के पास है अंतरजी खेड़ा, इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। फिर है अपना, क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला है जिसका उल्लेख अध्याय 3 में है?
मतलब हाँ है ना। तो हमें उसमें अध्याय जो हमारा पार्ट 3 था उसमें हमें क्या मिली थी, चावल। चावल के बाद जौ मिला था हमें, ये मिला था, उसमें गन्ना नहीं था अपना। इसके बाद में ये हमें देखो, ये एक तरफ हमें ये चित्र बना हुआ दिख रहा है, ये है हमारा ये वाला। तो इस चित्र को देखो, कोई ये हमारे लिए ये बर्तन बना हुआ है, इस बर्तन में देखो चित्रित धूसर पात्र, मतलब धूल से लिपटा हुआ। इस तरह के पात्र में ज़्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने हैं। शायद इनका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। मतलब जो बर्तन हुआ करते थे, तो बर्तन तो कोई अतिथियों के लिए हुआ करते थे, और जो लोग वगैरह थे वो पत्थरों पे, मतलब जैसा भी उनका चलता हो, तो ऐसे अपना जीवन यापन करते थे। ओके, इसके बाद में हमारी अगली वाली जो पैराग्राफ है वो है, लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के नाम से जाना जाता है। जैसा कि इनमें नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई। चित्रकारी का मतलब है कि इन बर्तनों पर कुछ चित्र बने हैं। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में हैं। मतलब ये सरल रेखाएं हैं और ज्यामिति कुछ आकृतियां बनाकर इन पात्रों को चित्रित किया गया। ओके, इसके बाद में जो हमारी अगली वाली हेडिंग आती है वो है महाजनपद। अभी था हमारा जनपद, अब है हमारा महाजनपद। तो करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची-ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण के डर से अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि का, मतलब इसकी आगे जो है वो हम आपको अगली वाली वीडियो में बताएंगे। मतलब अभी हम जनपद पढ़ रहे थे, लेकिन अब है हमारा महाजनपद। तो महाजनपद में जैसे हमें दिया गया है कि कुछ जनपद होते थे वो महत्वपूर्ण हुआ करते थे, जैसे है अपना तक्षशिला। फिर इसके बाद में यहाँ मानचित्र में देखो अपना है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर के नीचे देखो हमें पांचाली दिख रहा है, ये इधर है हमारा हस्तिनापुर, और ये है पांचाल, ये है इधर पांचाल, ये दिया गया, ये हस्तिनापुर दिखाया गया है। इसके बाद में हमारा कौशाम्बी, तो ये कौशाम्बी दिखाया गया है। ये मतलब हमें महत्वपूर्ण जनपद हैं। और इसके बाद में हमारा आता है उज्जैन, उज्जैन जो कि अवंती, ये दिया गया है। फिर इसके बाद में ये हमारी जो दी गई हैं मगध, ये हमारा मगध है, ये हमारा वैशाली है। इसके बाद में आओ तो ये हमारा तक्षशिला है, तक्षशिला का दिया गया है इधर, ये इधर चेनाब नदी है, और ये है झेलम नदी। तो ये कुछ हमारे महाजनपद हैं और ये महाजनपद के नगर हैं। तो मतलब हमें इस तरह से ये महाजनपद की जानकारी हो गई है और जनपद की भी हो गई है। इसके बाद में जो हमारा आगे का दिया गया है वो हम आपको अगली वाली वीडियो में पढ़ाएंगे। ओके।